अराकीन ने पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तनख्वाहों में इजाफा गैर कानूनी है, दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकफ़ इख्तियार किया गया है। इसी वाले से तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, चौधरी शुएब सलीम एडवोकेट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, स्पीकर पंजाब असम्बली और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया गया कि अरकान पंजाब असम्बली और वजीर आला की तनख्वाहों में इजाफा गैर कानूनी है। वजीर आला मुल्क चलाने के लिए दूसरे ममालिक से कर्ज ले रहे हैं, जबकि अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पहले ही परेशान है, लेकिन अवाम के टैक्स के पैसे से अरकान पंजाब असम्बली और वजीर आला पंजाब की ना सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई गई बल्कि इनकी मरात भी में भी इजाफा करने का जो बिल था उसे मंजूर कर लिया गया है। दरख्वास्त में ये इस्तदआ की गई है कि अदालत इस बिल को गैर कानूनी करार दे और गवर्नर पंजाब को इस बिल पर दस्तखत करने से फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी करे। ठीक है मोहम्मद अशफाक।